जय हिंद साथियों, दो दिन पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने पूरा थिएटर बुक करवाकर शहर वासियों को कश्मीर फाइल्स मूवी मुफ्त में दिखाई। साथियों, कश्मीरी पंडितों का राग अलाप कर मूवी कश्मीर फाइल्स देखने वालों को मूवी परजानिया देखना भी जरूरी है, ताकि देश के हिंदुत्ववादियों को पता चल सके कि गुजरात दंगों में क्या हुआ। दोस्तों, गुजरात और कश्मीर दोनों का सच देखना जरूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मूवी परजानिया थिएटर में दिखाकर यह बता सके कि गुजरात दंगों का सच है। साथियों, आज देश में धार्मिक उन्माद फैलाना यही भारतीय जनता पार्टी का मकसद है, और उसी मकसद से भारतीय जनता पार्टी काम करती नजर आ रही है। साथियों, इस मूवी के माध्यम से हिंदू मुसलमान भेद करके देश के सार्वभौम और एकता को ठेस पहुंचाने का काम और साथ में ही कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। साथियों, असलियत में शिया मुसलमान जो कभी आतंकवाद में शामिल नहीं हुए बल्कि खुद आतंकवाद का शिकार हुए हैं, उन्हें मूवी के माध्यम से आतंकवाद के रूप में दिखाकर देश के मुसलमानों को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी और मूवी के डायरेक्टर ने किया। इसीलिए आज युवा कांग्रेस की तरफ से हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस मूवी को जल्द से जल्द बैन करवाकर देश के आम जनमानस को सुकून से जीने दो, यही देश की जनता की मांग है।